हेलो मेरे किचन के महारथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट में मिलने वाली उस डिश की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो घर पर कम लागत से बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए मेरी रसोई में रेसिपी शेयर करना शुरू करती हूं। 26 जनवरी आने वाली है, तो चलिए बहुत से रंगों वाली सब्जियों का यूज करके कुछ हटके बनाना शुरू करते हैं। और साथ ही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी आयरन और विटामिन से भरी हुई पालक वाली रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए मैंने ये सब सामग्री ली है। यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज है, शिमला मिर्च है, आलू है, टमाटर है, हरी मिर्ची है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और मोटा मोटा कटा गाजर है। अब हम पैन में तेल गरम करेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ हमने जो मोटे मोटे आलू काट के रखे हैं उसको हम हल्का सा सॉटे कर लेंगे, जिससे उस पर एक थोड़ी सी ब्राउन सी लेयर आ जाए। ये हल्के से कुक हो जाने चाहिए, उतनी देर तक हमने इन्हें कुक करना है। यहाँ पर हमारे आलू का जो रंग है वो चेंज हो चुका है। अब हम डालेंगे फूल गोभी, ये हमने नमक के पानी में भिगो के रखी हुई थी, अब उसको साफ पानी से धो के हमने इसे इस पैन में डाल दिया है। और ऊपर से डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर इसलिए ताकि ये जो गोभी का रंग है वो अच्छा पीले रंग का निकल कर आए। अब इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाना है, ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो ये मैशी हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि सब्जियां जो है नीचे पैन के तले से ना चिपकें और जलने से बच जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आधा ढक्कन लगाकर इसे पकाना है ताकि जो सब्जियां हैं वो ओवर कुक ना हो। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जियों का जो रंग है उससे आपको पता लग जाएगी सब्जियां थोड़ी सी पक चुकी हैं। ये ऐसे करके आप देख लें। ये फ्रेंड्स, मेरा एक आलू नीचे फिसल के गिर गया था। यहाँ इस तरीके से आप चाकू को सीधा करके पकड़िएगा, पहले मैं उल्टे चाकू से काट रही थी। यहाँ आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं, अब हम इन सब्जियों को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छे से पैन को साफ कर दें। अब हल्का सा इसमें वेजिटेबल ऑयल ऑलरेडी इसमें था ही, उसी वेजिटेबल ऑयल में हमने जो शिमला मिर्च हमने मोटी मोटी काट के रखी है और प्याज जो डाइस्ड हमने काट के रखा था उसको हमने हल्का सा सॉटे कर लेना है। ट्रांसलूसेंट पिंक कलर जब आ जाए प्याज में, उसी समय हमने उसकी कुकिंग बंद कर देनी है और इन सब्जियों को भी हमने अलग बर्तन में निकाल के रख लेना है। इन सब्जियों का प्रयोग हम सब्जी के बाद में करेंगे, इसीलिए हम हर सब्जी को अलग अलग निकाल के रख रहे हैं। अब उसी तेल में जो पैन में बचा हुआ था तेल, उसी तेल में हमने जो मोटी मोटी गाजर काट के रखी है, यहाँ मैंने ऑरेंज रंग की गाजर ली है क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज ही गाजर ज़्यादातर मिलती है, लाल सीजनल होती है, उसको हमने हल्के से तेल में सॉटे कर लेना है। यहाँ हमने पत्ता गोभी जो बारीक बारीक काट के रखी थी वो भी इसके साथ ही हमने पका लेनी है। फ्रेंड्स, जैसे मैं सब्जियाँ एक साथ पका रही हूँ उसी सीक्वेंस में सब्जियों को पकाएं, क्योंकि हर सब्जी का पकने का टाइम अलग होता है। यहाँ बिल्कुल हल्का सा हमने नमक डालना है, पत्ता गोभी को पकाने के लिए नहीं, ये नमक मैं डाल रही हूँ गाजर को पकाने के लिए, क्योंकि पत्ता गोभी तो बहुत जल्दी अपने आप ही कुक हो जाती है। यहाँ अब हमारे जो गाजर है वो हल्की सी उसमें थोड़ा सा एक बाइट रहेगा, उस स्टेज पे आपने इन सब्जियों को भी अलग बर्तन में निकाल के रख लेना है। उसी पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करने के बाद 2 तेज पत्ते तोड़ के और 2 सूखी लाल कश्मीरी मिर्च तोड़ के हमने डाल दी है गरम तेल में। उसके साथ हम 4 से 5 काली मोटी इलायची इसमें पका लेंगे। पकाना तब तक है जब तक इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए, ओवर कुक करके इसे जलाना नहीं है। अब यहाँ पर 1 चम्मच हमने खड़ा जीरा डाला है, 1/2 चम्मच डाला है हमने सूखा दरदरा धनिया, इसको आपने कोरस ही पीस कर डालना है। हींग डालना ना भूलें, हींग डालने से क्या है, जब भी आप गोभी की सब्जी बनाएं उसमें हींग जरूर डालें, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। यहाँ हमने 3 बारीक कटे हुए मीडियम साइज के प्याज डाले हैं। प्याज से क्या होगा, आपकी सब्जी में थोड़ी सी मिठास आ जाएगी। इसको आपने हल्का गुलाबी रंग होने तक पकाना है। अब यहाँ हमने डाला है अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट, इसको अच्छे से पका लें ताकि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ना रह जाए इसमें। अब यहाँ पर हमने
वो दरदरा पेस्ट डाला था, यहाँ हमने बिल्कुल स्मूथ अदरक लहसुन की प्यूरी भी डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास प्यूरी नहीं है आप ना डालें। यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच डाला है लाल कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच डाली है मैंने हल्दी। हल्दी इसलिए थोड़ी डाली है क्योंकि हमने हल्दी में गोभी और आलू को पका चुके हैं पहले से ही। यहाँ देखेंगे मसाले में से ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी आपका जो प्याज है अच्छे से पक चुका है। अब यहाँ पर हमने थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी, थोड़े से चेरी टमाटो और हरी मिर्च टमाटरों के साथ ही डालनी है, जिससे जो आपकी सब्जी का जो टेस्ट है बहुत ही हटके और बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर हम इस तड़के पर ढक्कन लगाकर 8 से 7 मिनट तक इसे पका लेंगे। देखिए अब हमारे जो टमाटर हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो यहाँ पे हमें पता लग चुका है कि हमारा जो तड़का है सब्जी का वो बनके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर कलर के लिए, सब्जी में जो रेस्टोरेंट स्टाइल होती है ना उसमें कलर बहुत अच्छा आता है, यहाँ हमने टमाटो प्योरे का यूज़ किया है। ये आराम से आपको किसी भी ब्रांड की बाजार में मिल ही जाती है। प्यूरी को थोड़ा सा मसाले के साथ चलाने के बाद यहाँ पे हमने 1 चम्मच डाला है सौंफ का पाउडर और 1.5 चम्मच डाला है धनिया पाउडर। सौंफ का पाउडर आपकी जो सब्जी है उसका टेस्ट दुगना कर देगा। रेस्टोरेंट में भी लोग इसी तरीके के मसालों का यूज़ करते हैं। यहाँ जो हमने आलू और फूल गोभी हल्की सी सॉटे करके रखी हुई थी, अब हम उसे इस मसाले में सबसे पहले उसी को मिक्स करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी मोटी सब्जी है, मसाला गोभी के अंदर भर जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने गाजर पत्ता गोभी हल्की सी सॉटे करके रखी थी, अब उसको डालेंगे, क्योंकि हमने 5 मिनट उसको, जो गोभी और आलू है उसको हमने मिला चुके हैं तड़के में, अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे, क्योंकि पत्ता गोभी के साथ काली मिर्च का स्वाद लाजवाब लगता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमने डाइस्ड शिमला मिर्च और प्याज हमने रखा हुआ था, जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी लास्ट में, सबसे लास्ट में हमने ये डालना है, क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी मैशी हो जाती है, ये हमें सबसे लास्ट में डालनी है। लगभग 10 मिनट हमें खुले पैन में ही इस सब्जी को पका लेना है, ताकि ये अच्छे से, इसका जो कोई भी कच्चापन ना रह जाए और अच्छे से मसालों के साथ ये सब्जी बनकर तैयार हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा बस चलता तो मैं YouTube के चैनल से ही आपको इसकी खुशबू भी सुंघा देती। यहाँ हमने अब लास्ट में डालना है इसे बारीक हरा कटा हुआ फ्रेश धनिया, जो आपकी सब्जी का स्वाद, टेक्सचर और जो उसकी रंगत है वो निखार देगा। जहाँ लोग एक कटोरी सब्जी मांगेंगे, वहाँ आपसे ये सब्जी की रेसिपी से आप जब बनाएंगे, वहाँ 2 कटोरी के बिना तो कोई मानेगा ही नहीं। अब यहाँ पर हम बना रहे हैं पालक वाली आयरन और विटामिन से भरपूर गर्मा गर्म चपाती, जो इस रेसिपी के साथ, जो मैंने आपके साथ सब्जी शेयर की है उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट जाती है। तो यहाँ पर हमारा पानी खौलता हुआ उबल चुका था, उसमें हमने पालक को अच्छे से धो लेना है ताकि इसकी मिट्टी निकल जाए। यहाँ पर जो, जहाँ मैं रहती हूँ US में, यहाँ पर जो पालक है वो बेबी स्पिनच आती है, यहाँ मिट्टी नहीं होती, तो अच्छे से डाल लें उसे, अच्छे से धोएं और उसके बाद उसे ब्लांच कर लें। अब हमारी जो पालक है वो पानी में सॉफ्ट हो रही है, अब उसी समय आपने पालक को निकालना है पानी से और इमीडिएटली उस पालक को शॉक देना है ठंडे पानी में, जो हमने बर्फ डाल के रखा हुआ था। इससे क्या होगा, आपकी पालक की ओवर कुक जो ये होने से बच जाएगा, एक्स्ट्रा कुकिंग बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको निचोड़ लेना है, हाथों की सहायता से इसे निचोड़ लें और इस तरह के पालक की बॉल्स बना लें और एक ग्राइंडर में इस बॉल को डालें और इसका एक स्मूथ प्योरे बनाकर तैयार कर लें। इस टाइम पे आपको नमक डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नमक डाल के इसे पीसेंगे तो इसका जो कलर होता है ना, ब्लैकिश टोन में जाएगा। तो आप इस टाइम पे नमक ना डालें, जब आप आटा गूंदेंगे तब आप चाहे तो नमक डाल सकते हैं, वो आप अपनी सेहत के अनुसार नमक डालें, नहीं तो ना डालें। ये रोटियां वैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब हमने जो 2 कप गेहूं का आटा लिया है उसमें जो हमने पालक की प्यूरे बनाकर रखी है वो ऐड कर लेनी है, और
फ्रेंड्स ध्यान रखें, एकदम पानी नहीं मिक्स करना। पहले इस प्यूरे को आपने आटे के साथ मिला लेना है, आवश्यकता अनुसार पानी इसमें ऐड करें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आप पालक की प्यूरी मेजरमेंट से तो नहीं डालेंगे कि एक कप डालनी है दो कप डालनी है। प्यूरी अगर ज़्यादा हो भी जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, सूखा आटा आप ऐड कर सकते हैं उसमें। पहले आप प्यूरे में आटे को घुमा लें, फिर आवश्यकता अनुसार आप उसमें पानी का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट हमारा आटा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इससे गर्मा गर्म चपातियाँ तैयार कर लेंगे, जो आयरन और विटामिन से भरपूर है। आज हम इतने डिफरेंट तरीके की हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की है, अब उसके साथ ये हरी हरी रोटियाँ तो उस सब्जी का स्वाद और बढ़ा देगी, और ये बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छी है। बढ़ते बच्चों के लिए तो आप जितना चाहें, जिस फॉर्म में चाहें, जहाँ चाहें सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं, उनकी सेहत को भी फ़ायदा ही देंगी। इतनी पतली पतली आपको रोटियां बनाकर तैयार करनी है। अब तवा गरम कर लें, तवा गरम होने के बाद उसको पहले एक तरफ से अच्छे से सेक लें। जैसे ही ऊपर से आपको उसका रंग चेंज लगे हो गया है तो आप उस रोटी को पलट लें। देखिए इस तरीके से आपने रोटी को पका लेना है। ये ब्राउन ब्राउन से स्पॉट्स आ गए हैं, इन चिकित्तों के आते ही आपको रोटी को तवे से हटाकर, जो मेरा ये स्टील का नेट है उस पर मैंने इसको फुला लिया है, गर्मा गर्म इसी स्टेज पे आपको इस पर गर्म घी लगाकर आपको सब्जी के साथ सर्व करना है। तो देखिएगा जहाँ लोग एक रोटी खाते हैं वहाँ लोग 4 से 5 रोटी खा जाएंगे, और आपसे इसकी रेसिपी पूछना भी नहीं भूलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है ना तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और स्पेशल रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।